बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के फिल्म संदीप और पिंकी फरार का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म सस्पेंस और थ्रिल का कॉम्बो लग रही है। पूरे ट्रेलर में परिणीति का मिस्ट्री गर्ल वाला रोल देखने को मिल रहा है। फिल्म के लीड एक्टर अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के पोस्टर की एक फोटो शेयर करते हुए इसके ट्रेलर के रिलीज होने की जानकारी दी। उन्होंने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, नाम पिंकी, शक्ल से पुलिस वाला, काम से ? दिबाकर बनर्जी के फिल्म हैशटैग संदीप और पिंकी फरार के ट्रेलर को जारी कर दिया गया है। 20 मार्च को ये फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म की एक मजेदार बात यह है कि इसमें अर्जुन कपूर पिंकी दहिया का किरदार निभा रहे हैं, जबकि संदीप कौर के किरदार को परिणीति निभा रही है। ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। वैसे ट्रेलर देखकर तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ एक कॉमेडी है या ब्लैक कॉमेडी है। ट्रेलर को देखते हुए कहीं भी वाव एलिमेंट नहीं दिखा। वहीं ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फैंस खूब ट्रोल कर रहे हैं। जरा सुनिए लोगों की जुबानी। दिस इज वाई YRF doesn't deserve talented actors. When she looks promising, they are giving worst possible release and promotional strategy and casting that male actor in their biggest mistake. भाई क्या सोच के फिल्म 20 मार्च को रिलीज कर रहे हो? बस 4 दिन की चांदनी, चलो बेस्ट ऑफ लक। ये 2 मिनट का ट्रेलर देख के ही लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर दिया, बाकी पूरी फिल्म देखने का तो सोचना भी नहीं है। ऑडियंस थिएटर से फरार, तू फरार हो जा परमानेंटली बॉलीवुड से, यही सही रहेगा तेरे लिए। यशराज वालों के भी बुरे दिन चल रहे हैं। रीजनल सिनेमा, कंटेंट बेस्ड सिनेमा या टैलेंटेड एक्टर्स पे पैसा लगाओ तो हम लोग थिएटर्स में आए। ट्रेलर में ही मजा नहीं आया तो फिल्म का तो छोड़ ही दो। भगवान किसी और को अर्जुन जैसी किस्मत ना दे। हिट फिल्म का सीक्वल किया, फ्लॉप। हिट म्यूजिक और बुक पे फिल्म की, फ्लॉप। क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म मेकर के साथ फिल्म की, फ्लॉप। एपिक वॉर फिल्म, फ्लॉप। दिबाकर के साथ काम किया, फिल्म डिलेड। यशराज फिल्म जैसे प्रोडक्शन हाउस के बैक सपोर्ट के बाद भी। 4 घंटे की नहीं है वैसे भी इस मूवी को कोई नहीं देखने वाला। अर्जुन भाई की शक्ल देखकर थिएटर खाली रहेगा। 10 करोड़ भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। जब कुत्ते की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है, वही कर रहा है यशराज फिल्म आजकल। भाई ये तब भी नहीं चलेगी, इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज करना चाहिए था। 2018 वाली मूवी 2020 में कोई नहीं आएगा थिएटर में। लोल नेक्स्ट फ्लॉप देने के लिए आ रहे हैं दोनों साथ में। इस को अभी भी फिल्म मिल रही है क्या? वेल, लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। मतलब अब तो बस ये देखना है कि फिल्म के रिलीज होने के बाद कितने दिन फिल्म देखते हैं लोग और क्या रिएक्शन होगी लोगों की।